What the fuck is wrong with you? Are you okay? God, he doesn't need any motivation, this guy. Listen, Georgie, relax, man. I'm not even training. I'm not even working out. What is up YouTube, welcome back to KSF Academy, आपके अपने आम रेसलिंग हिंदी न्यूज चैनल पे। तो ये यार जब भी डेवॉन लैरेट कुछ भी ट्रैश टॉकिंग करते हैं तो लोग उसे कहते हैं कि ये पीपीवी के लिए हो रहा है, ये आम रेसलिंग कल्चर को थोड़ा बहुत लोगों का इंटरेस्ट लाने के लिए करता है। बट उनके अलावा अगर कोई और इसे करता है, जैसे कि गेनाडी ने किया था, गेनाडी ने एक कमेंट किया था जिसपे ऐसा इतना तगड़ा वाला लोगों का हेट रिस्पॉन्स आया था, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा पीछे हटते हैं ये करने के लिए। अभी रिसेंटली जॉर्जी सदकॉफ और डेवॉन लैरेट का जूम मीटिंग हुआ था, जो कि ऑब्वियस सी बात है इंटरजी ने उसे स्पॉन्सर्स हैंडल किया था, और जिसमें यही हमको बहुत सारी चीज़ें देखने मिली, जिसमें डेवॉन लैरेट काफ़ी एक फनी वे में जॉर्जी सदकॉफ को बहुत ज़्यादा ट्रैश टॉक या फिर ह्यूमिलिएट कर रहे थे, जिसमें कुछ पॉइंट्स हमको सुनने में आए थे कि जॉर्जी प्लीज डोंट बॉदर विनिंग, मैं ट्रेन भी नहीं कर रहा हूँ, बस जाने दो यार, मतलब छोड़ दो, तुम नहीं जीत पाओगे और कोशिश भी मत करो। सेकंड, जॉर्जी प्लीज अपने आप को हर्ट मत करना ये सब के चक्कर में, मैं ज्यादा आपके ऊपर मैं फोर्स नहीं डालूंगा, आराम से आप हार जाओगे, ठीक है। जॉर्जी सदकॉफ भी काफी प्रोफेशनल ये सारे ट्रैश टॉक को ले रहे थे। After you're dreaming fight. Of me every night? Did you know? No, your belt. Your belt, belt. Your belt. Of the belt. Yeah. अच्छा तो भाई ऐसा हुआ है यहाँ पे कि जॉर्जी सदकॉफ ने उनके बेल्ट के बारे में कहा है, वो उनके सपने नहीं देख रहे हैं, वो उनके सपने फिलहाल अभी डेनिस देख रहे हो। Yeah. Well, that's just a dream. After Dubai, it's coming to Bulgaria. No, Georgie. Don't be ridiculous. पर बुल्गारिया जाने वाली है और डेनिस डेवॉन के साथ नहीं जाएगी। यू गाइस ऑलरेडी नो अगर डेवॉन हारते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, उनकी बेल्ट जाएगी, लेवान के साथ में जो उनका मैच होने वाला है वो चला जाएगा एंड काफी प्रॉब्लम होगी। इसके लिए भले डेवॉन कितना भी कह रहे हो कि आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग, आई एम नॉट वर्किंग आउट, जो भी है, स्टिल डीप डाउन यू ऑल नो कि ही इज प्रैक्टिसिंग, ही इज वर्किंग फॉर जॉर्जी सदकॉफ। ऑब्वियसली ज्यादा चांस है जॉर्जी का हारने का एंड डेवॉन के जीतने का, बट स्टिल मे बी अगर डेवॉन हार गए तो वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। वैसे कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है कि डेवॉन हारेंगे, सब डेवॉन के सपोर्ट में ही है ऑब्वियसली, बिकॉज वो नंबर वन पर है एंड काफ़ी चीज़ें आपको देखने मिली जब से डेवॉन जीते हैं, भाई चौड़ में आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा है मेरे पास में, मैं जीत रहा हूँ, कोई नहीं जीत सकता है मुझसे, आई एम नंबर वन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने उनके मुंह से सुनी है, तो काफ़ी ज़्यादा वो इन्जॉय कर रहे हैं अपनी टॉप पोजिशन एंड वी होप कि जॉर्जी सदकॉफ अच्छा खासा एक कमबैक दे लास्ट मैच के जो उनका डेवॉन का हुआ था, जो डेवॉन ने उन्हें फ्लॉप प्रेस से हराया था। सो मे बी इस बार जॉर्जी थोड़ा चेंज करें मूव्स और लेट्स सी क्या होता है। ऐसे ही रेसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए रहेगी तो प्लीज मेक श्योर आप केएसएफ एकेडमी को सब्सक्राइब करें। 9 दिसंबर को किंग ऑफ द टेबल मैच होने वाला है, तो हम लोग आपके लिए प्रॉपर कमेंट्री प्रोवाइड करेंगे, सो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल से जुड़े, हमने ग्रुप बनाया है, आप ग्रुप में आके देख सकते हैं, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी किंग ऑफ टेबल 9 की, और सारे इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में, बाय बाय।